हमने दो जोड़ी सैंडल ली है वो बता देते हैं आपको। एक तो हमने सिंपल कवर ली है जो कि वो पहन सके, ठीक है, ये वाली लाइट वेट डेली यूज की इस पर्पज से ये भी, क्योंकि लड़कियों को ज्यादातर यही पसंद होती है, हम लोग भी इस साइड इस तरीके की सैंडल पहनते हैं। और एक हमने ली है उनके लहंगे के लिए, तो वो लहंगा पहनेंगे तो उसके साथ तो थोड़ा सा वर्क वाला इस टाइप की हमने ली है जो कि उनके लहंगे से थोड़ी सी मैच खा रही है। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमने लहंगा किस कलर का लिया होगा। बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल जो कलर इसमें है, मतलब इसमें कुछ कलर है जो कि लहंगे से मैच खाएगा और अच्छे से जाएंगे। तो ये हमने सैंडल ली है थोड़ी सी हील वाली, ठीक है। वैसे आप लोगों ने सैंडल वाली वीडियो में देखी होंगी, काफी सारी सैंडल थी लेकिन पसंद आपको यही वाली। सबसे पहले भाभी की शॉपिंग हुई थी, उसके बाद हम चारों बहनों की, ये तो पांच लोगों की ये सारी शॉपिंग है, और उसमें से हमारे पापा की और आर्यन की भी शॉपिंग है। और अभी जीसान के कपड़े डिसाइड नहीं है कि वो क्या पहनेगा, तो वो अपने जो हमारी भाभी पहनेंगे उनकी मैचिंग का सोच रहा है कि उसी मैचिंग से लो कुछ भी, तो अभी देखेंगे जब उसका डिसाइड हो जाएगा तब आप लोग साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी फिलहाल इसमें से जो है ना हम लोग कपड़े तैयार करवाने हैं वो रख निकालनी है जो हम पहने, क्योंकि हमारी दो दो ड्रेस हैं, और जो नहीं पहनने उसको एक साइड करके रखना है, और जो कपड़े सगाई में देने के उनको हमें पैक करना है। तो इतना काम आज हमें करना है, अब देखते हैं इसमें से कितना हो पाता है कितना नहीं होता है। तो बस यहाँ पे अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, और सुबह सुबह जब उठे तो बाहर देखा कि खूब तेज बारिश हो रही थी, और बस मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है। लेकिन बस ये है कि जब तक बारिश होती है तब तक अच्छा लगता है और फिर गर्मी हो जाती है। तो बस अभी सुबह सुबह की बारिश में यहाँ पे मैंने रख दी थी बनने के लिए गर्मा गर्म चाय, और साथ में बनाए हैं पोहा। तो बस यही हमारा नाश्ता रहता है अक्सर, तो बस यहाँ पे कर लेते हैं चाय पोहे का नाश्ता और फिर अपने काम करते हैं। और गुलफ्सा को भी घर जाना है तो वो भी नाश्ता करके चली जाएगी क्योंकि उसको आज दुकान जाना है, और अक्सरा तो यहीं पर रुकी रहेगी, और आर्यन भी, तो बस काम वाम करेंगे फिर तैयारियों में भी लगना है क्योंकि घर का रूटीन का काम हम लोग जल्दी से निपटा लेते हैं, फिर बाकी जो सगाई की तैयारियों का काम है फिर उसमें लग जाते हैं। कभी कुछ कपड़े लाना है, कभी कपड़े तैयार करवाना है, तो इस तरीके से। और गुलाबसा उधर से आते हुए जो कुछ सूटों में आस्तीन वगैरह लगाने के लिए दी है और लेस वगैरह लगवानी है तो वो चीज़ें करवा के लेकर आएगी उधर से ही, और फिर जो है ना हम लोग रात में पैक करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बर्तन मांजने लगी थी, साफ़ करने लगी थी, और अक्सरा जो है ना झाड़ू पोछा कर लेगी, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। और फिर मैं खाना बनाने रख दूँगी, तो खाने में जो है ना आज मैं टिंडे की सब्जी बनाऊँगी, तो टिंडे जो है ना लेकर आए थे तो ताज़े ताज़े हैं, अभी कल लेकर आए थे, तो बस इसलिए मैंने सोचा आज ही बना लेती हूँ, क्योंकि हरी सब्जी जो है ना जितनी जल्दी बना लो उतना सही रहता है, वरना फिर जो है ना वो थोड़ा से टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट से बर्तन मांजते फिर यहीं की यहीं सब्जी की भी तैयारी कर लेंगे। तो बस यहाँ मैंने टिंडे निकाल लिए हैं, और बस अभी मसाला रेडी करूँगी पहले और फिर बाद में टिंडे छीलूँगी। तो बस यहाँ पे ये प्याज लहसुन मैंने निकाल कर रख लिया है, तो इनको छील कर पीस लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाती है और मैं रेसिपी भी दे देती हूँ साथ ही साथ आपको, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ लेकिन बड़े टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें तेल डाल देंगे, और तेल ये आपके ऊपर मैं थोड़ा सा कम डालने लगी हूँ तेल आजकल सब्जियों में, मटर वगैरह में मतलब अच्छे से डालती हूँ लेकिन हरी सब्जियों में तेल थोड़ा कम डालती हूँ, तो कुछ लोगों को जो है ना बिल्कुल तरी वगैरह पसंद रहती है तो इसलिए थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल डाला, तेल गर्म होने के बाद इसमें मैंने जीरा डाल दिया, जीरे के बाद मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया था, फिर उसी में मैंने जो मसाले रहते हैं हल्दी धनिया मिर्ची का तो वो भी डाल दिए थे, वो बस यहाँ पे बघार दिया है, तो बस अब इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी, नमक भी डाल दिया साथ ही में, तो इसके भुनने दूँगी अच्छे से। जब ये भुन जाएंगे उसके बाद में जो है ना टिंडे डालूँगी, तो टिंडे जो है ना मैंने जब तक मसाला भून रहा था तब तक मैंने टिंडों को जो है ना छील लिया और उसमें कट लगा लिए, क्योंकि वैसे कुछ लोग जो है ना ऐसे मसाला भुन जाता फिर भरा हुआ मसाला उनमें भरते हैं तो वो कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जब हम मसाले में फिर से पकाते हैं तो मसाला निकल ही जाता है,
इससे अच्छा है कि मसाला भूनो, टिंडों में कट लगाओ छीलने के बाद और फिर इसमें डाल दो। तो जब तक वो मसाले के साथ टिंडे भुनेंगे ना तो मसाला खुद ब खुद ही भर जाएगा और टेस्ट वही आता है सेम। तो इसलिए क्या फ़ायदा डबल मेहनत करने का। जैसे ही मैं बैगन भी ऐसे ही बनाती हूँ कि मैं भरती नहीं हूँ मसाला, सिर्फ ऐसे कट लगा के और डाल देती तो बढ़िया बनते हैं। तो बस यहाँ मसाला हमारा बढ़िया सा भुन गया है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने। तो बस अब इसमें टिंडे जो है ना मैंने धोकर छील कर कट लगा के रखे वो डाल देते हैं और बस पानी डाल देंगे थोड़ा सा, जिससे टिंडे जो है ना अच्छे से गल जाएंगे। बस उसके बाद इनमें सालन नहीं करती हूँ मैं, भुनवा रखती हूँ और बस टिंडे बन के रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना, और इसमें साथ ही में मैं दाल भी बनाऊँगी अलग से, क्योंकि एक सब्जी से क्या होगा हम ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए दाल भी बनाऊँगी और बस रोटियां बनाएंगे। तो ये हमारा आज का लंच रहेगा। तो बस खाने वाने से निपटते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस अभी हो गया दोपहर का टाइम, काम से हो गए फ्री, खाना वाना भी हो गया है और आजकल मैं कामों से बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ क्योंकि मेरी बहनें रुकी हुई हैं। तो इस वजह से, क्योंकि सारे काम जो है ना यहीं से होना है, तो इस वजह से मैंने रोक लिया है कि वहाँ पे तो कोई काम नहीं है, सारी तैयारियाँ यहीं पर करनी है और जो भी मेहमान आएंगे वो भी यहीं पर आएंगे और जब सगाई में भी जाएंगे तब हम यहीं से जाएंगे। तो यही है कि अभी सारे काम यहीं पर होने, तो फिर वहाँ कोई काम नहीं, तो इसलिए मैंने यहीं पर रोक लिए हैं। और जब दो तीन लोग मिलके सारे काम करते हैं ना तो जल्दी हो जाते हैं, तो इस वजह से। और वैसे आज गुलाबसा तो खैर चली गई है दुकान, क्योंकि उसको मैंने उससे छुट्टी की बोल दी थी कि अभी दो चार दिन की छुट्टी मांग ले जिससे जो है ना काम जल्दी हो जाए, क्योंकि सगाई में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। तो हमें सारी तैयारी ना पहले से करके रखनी है, क्योंकि फिर जो है ना एक दो दिन पहले मेहमान आ जाएंगे तो फिर जो है ना उनके सामने तैयारियां करना सही नहीं लगता है। तो इसलिए जो भी काम है वो पहले से जो है ना करके रख ले, मतलब जैसे कि पैकिंग वगैरह है, जो भी चीज़ें लेके आनी है और बस उसके मतलब सगाई सगाई वाले दिन तो हमें सिर्फ फ्रूट्स हैं और जो है ना लड्डू वगैरह वही पैक करना रह जाएगा। लेकिन जो है ना वैसे इसकी तो डलियाँ ही बन के आती हैं, लेकिन हम लोग जो है ना स्टील के बर्तन में पैक करेंगे तो इसलिए हमें घर लाकर ही पैक करना है, क्योंकि बाजार में तो जो है ना या तो बांस की डलियाँ या फिर प्लास्टिक की डलियाँ वगैरह आती हैं, तो वो हमें नहीं करना है, हमें स्टील के बर्तन में पैक करनी है, तो इसलिए हम घर ला के पैक करेंगे। तो वो उसी दिन हम सुबह में कर लेंगे, लेकिन अभी हमें कपड़ों की पैकिंग है और हमें रिंग के लिए प्लेट बनानी है। वैसे ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन वही है ना जो अपने हाथों से बनाते हैं ना उसमें अलग मज़ा होता है, वो मोहब्बत से बनाई गई होती है, उसमें हमारा प्यार रहेगा, है ना। तो बस हम बहने जो भी कर रहे हैं अपने दिल से कर रहे हैं अपनी भाभी के लिए। तो ये देखो ये बहुत बड़ी खुशी है, बहुत खुशी का मौका है ये हमारे लिए। और बस इस टाइम पर जो कमी है हमारी माँ की है, जो कि नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मेरी मम्मी के लिए आप लोग दुआएं करना, मेरी मम्मी ने जाने कहाँ कहाँ पर दुआ मांगी थी जीसान के लिए, और क्योंकि हम बहनें ही थी, हमारा भाई नहीं था। तो ये रहता है ना कि पहले देखो, आजकल तो खैर इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के पास लड़की है किसी के पास लड़का है, तो आजकल इतना कोई दिमाग पे नहीं देता है कि अरे उसके पास लड़का नहीं है अरे उसके पास लड़की नहीं, जो है उसी में खुश रहता है इंसान। लेकिन पहले का ये था कि अगर लड़का नहीं होता ना होता था ना तो बहुत बड़ी बात रहती थी कि अरे लड़की ही लड़की है लड़का नहीं है। तो बस यही था कि मम्मी हर जगह मुराद, क्योंकि हम भी इतने समझदार हो गए थे कि हमें समझ आता था कि मम्मी मतलब यही सोचती रहती कि लड़का हो जाए। तो मुझे अभी भी याद है कि हर दरगाह पर मम्मी दुआ मांगती थी, हर जगह हर नमाज में यही दुआ रहती थी और हम लोग भी दुआ मांगते थे कि अल्लाह पाक हमें भाई दे दे, तब जाके हमें जीसान मिला था। तो इसके लिए हमें बहुत अरमान है और बहुत खुशी है कि आज हमारे भाई का जो है ना इतना बड़ा दिन है। बस ये कि अल्लाह से बस यही थी कि मेरी मम्मी भी इस खुशी में शामिल होती, लेकिन चलो उनकी दुआएं रहेंगी साथ में। और बस जो भी अपने दिल से कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें कि अच्छे से हो, और दिल से कर रहे हैं कि जो भी हो अपनी हमारी भाभी को पसंद आए और आएगा इंशाल्लाह, वो इतनी समझदार हैं कि वो सब कुछ समझती हैं, ठीक है ना। तो बस सभी करते हैं तो थोड़ी सी वो होती है ना कि भावनाओं में बह गई, तो मैं बात करते करते भावनाओं में बह गई हूँ।
तो बस अभी शाम को जो है ना गुलाब साहब आ जाएगी, क्योंकि आज छुट्टी मांग ली, तो अब दुकान जो है ना नहीं जाएगी। तो अब रात में जो है ना हम लोग पैकिंग करेंगे, और बस मुझे कपड़े भी धोने थे, लेकिन बारिश की वजह से कपड़े नहीं धोए हैं, क्योंकि है ना अगर बारिश में कपड़े धो लो तो धूप में सूखते नहीं है ना कपड़े, तो फिर स्मेल सी आने लगती है, इसलिए नहीं धोए मैंने। तो अब कल धोऊंगी, और अभी फिलहाल काम वगैरह तो हो गया है, तो अभी फ्री बैठे हैं। तो बस मैं यही सोच रही थी कि किस तरीके से पैकिंग करें, तो मैं वही वीडियो वगैरह देख रही थी कि कुछ मतलब मिल जाए अच्छा सा। तो देखते हैं कैसी पैकिंग होती है, जैसी भी होगी तो आप लोगों को शाम को देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट शाम को। तो बस अभी हो गया है रात का टाइम, और हम लोगों की जो तैयारी है, मतलब चाहे सूट दिखाना हो चाहे पैकिंग वगैरह करना हो, तो रात में ही नंबर लगता है खाने वाने से निपटने के बाद, तो क्योंकि फिर चिंता नहीं रहती है, आराम से हम लेट नाइट तक फिर ये काम करते रहते हैं। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं पैकिंग। तो बस गुलाब सा आ गई थी, फिर उसके बाद हम लोग बैठे, खाना वाना खाया, और अब यहाँ पर हम पैकिंग करने लगे। लेकिन एक पैकिंग करते में एक वो हो गया कि हमारी जो ग्लू स्टिक थी वो चल ही नहीं रही थी, और अब रात में कहाँ लेने जाए। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत तो टैप से चिपकाया, लेकिन फिर बाद में वो सही नहीं लग रहा था। फिर हमने जो है ना ग्लू को मोमबत्ती पे गरम करके लगाया, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, कपड़े दिखाए थे कि हम कुछ इसमें से चेंज भी कर सकते। तो जो फ्रॉक मैंने दिखाई थी ना, वन पीस वाली थी जो, तो वो मुझे सही नहीं लग रही थी। तो फिर जो ये अक्सरा के लिए लहंगा हमने पसंद किया था, तो वही लहंगा जो है ना अब हम अपनी भाभी को दे रहे हैं, क्योंकि ये मुझे सही लग रहा था। तो वो फ्रॉक जो है ना उठा दी हमने, और उसकी जगह हमने ये लहंगा पैक किया, क्योंकि ये लाइट वेट भी था, और फिर ऐसा था कि वो पहन सकती हैं, अच्छा भी लग रहा है और वर्क वाला भी है, तो ये मुझे उनको देना अच्छा लग रहा था। तो बस हम बहनों ने यही डिसाइड किया कि चलो इसको ही पैक करते हैं। तो बस अभी सूट वगैरह हमने पैक कर लिए हैं, और यहाँ पे अब हम मेकअप पैक कर रहे हैं। तो ये डब्बे वगैरह हमने कुछ ला कर रखे थे, तो इसी में हम अच्छे से अरेंज करके पैक कर रहे हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा कर, मतलब ग्लू स्टिक की जो रहती है ना, वो लगा कर हम पैक कर रहे हैं, जिससे ये बिखरे ना और सामान इधर उधर ना हो। तो इस तरीके से चिपका के फिर हम अच्छे से पैकिंग करेंगे। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है पैकिंग। और हमने वो सामान साइड निकाल कर रख दिया है जो हमको भाभी के लिए पहले से पहुंचाना है, जिससे पहनकर वो रेडी होंगे। तो सैंडल है, उनकी ड्रेस है, और चूड़ियां हैं, पर्स है, नेकलेस है। तो यहाँ पे जो है ना ये मेकअप और ज्वेलरी पैक हो गई है, और अभी फुल लुक आपको दिखा देंगे। और अभी यहाँ पर हम पर्स और सैंडल पैक कर रहे हैं, और पैकिंग करने जब बैठे ये लगाई ग्लू गन तो ये चालू ही नहीं हुई। और अब हमने देसी जुगाड़ किया कि हमने मोमबत्ती जलाई और इससे इसको गर्म किया, क्योंकि इससे चिपकाना ना चीज़ें इजीली हो जाती हैं, तो बस इसलिए। तो बस यहाँ पे ये सैंडल और पर्स हो गया, अब इसको फाइनल टचअप चल रहा है इसका, तो वो करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारी फाइनल सारी पैकिंग। तो आप लोग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और इस टाइम पर रात के बज रहे थे 2:30 जब हम पैकिंग करके फ्री हुए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना।